पर मुझे आपका बस क्या पुराना वाला खून रहा आपका भाभी ने खाई है आज इनकी जान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ पे हैं हमारे मित्र प्रमोद प्यारे जी। हेलो। जो अभी अभी बहुत चिंतित थे और अभी हम इनको घुमाने के लिए लाए, काफी टेंशन में चल रहे हैं सुबह से। साथ में हमारे नवीन सर भी आए हुए हैं यहाँ पर को। तो नवीन सर ने कहा कि इनका थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हम पीछे यहाँ कोली झील पे आए हुए हैं, और कोली झील पे इनका कहना है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है। भैया क्यों नहीं आ रहा है? हम बहुत बार आ चुके हैं और अभी यहाँ बोटिंग वोटिंग नहीं होती है, तो इसलिए कुछ ज्यादा वो हो नहीं रहा। आपके चेहरे में इतनी चिंता क्यों है? घर में लड़ाई हुई है भाभी से, लड़ाई करके आया हुआ है। आज हमारा ये जो भाई है, दोस्त है, ये घर में लड़ाई करके आया हुआ है, और घर में इसको भाभी जी ने खूब ढूंढ रखा है और कह रहा है कि अब शाम तक घर नहीं जाऊंगा, और शादी के बाद बेचारा बहुत परेशान है। तो दोस्तों परेशान नहीं हूँ, आज छुट्टी का दिन है तो मैं घूमना चाह रहा था। नहीं भैया, अभी जब हम घर गए थे तब तो भाभी तो बहुत गुस्सा कर रही थी आप पे, मुझे घूमने नहीं जाने दे रही थी दोस्तों के साथ। पाबंदियां हैं, बहुत ज्यादा पाबंदी। बस दोस्तों हमारा ठीक है, नवीन सर का ठीक है, अभी हम सिंगल हैं और मिंगल हैं। ये भैया जो हैं कभी भी टाइम पे घूम नहीं पाते हैं, इनकी गाड़ी की चाबी भी सीज कर देती हैं भाभी ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुख है इस बात का? नहीं, मुझे कुछ ही है इस बात की। तो दोस्तों गहराई झील में और गहरी खाइयों में तो बहुत गए हैं हम, आज कुछ नई जगह नई ऊंचाइयों पे चलते हैं। यहाँ पर जी कह रहे हैं कि आज ऊंचे में जाएंगे, और ऊंचा यहाँ पर को अभी सबसे ऊंचा यहाँ पर क्या है? बाणासुर का किला। चल लो गए हमारा पूरा किला बाणा। भैया कह रहे हैं कि बाणासुर का किला जिससे दिखता है पूरा जिला। प्रमोद जी के चेहरे में आ रही है मुस्कान, भाभी ने खाई है आज इनकी जान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसे हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भाभी जी नाराज हैं, उनको मनाने के लिए आप कौन सा वाला गीत गाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सामने पे जो है बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, हमें यहाँ जाना है। यह है बाणासुर का किला, और आज जो है प्रमोद जी का फेवरेट प्लेस है यहाँ पर। So, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गेट के पास, और यहीं से जो है रास्ता जाता है इन पहाड़ियों से होता हुआ ऊपर किले की ओर, और काफी खूबसूरत से मकान यहाँ पर को। So, दोस्तों ये जो है मुख्य गेट है, और ये प्रमोद जी और उनका पेट है, और नवीन जी पहली बार यहाँ अग्रसर हैं, आगे की ओर पहली बार आ रहे हैं। तकरीबन दोस्तों यहाँ पर को जो है किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई है, जिसमें भले भलों की सांस खुल जाती है, और अभी यहीं से चढ़ाई लग चुकी है। वो सामने में जो चोटी दिख रही है, हमने इससे भी ऊपर जाना है, और यहाँ का ये जो है इंटर कॉलेज। दोस्तों चढ़ाई तो एकदम खड़ी है, तो और सब चले जा रहे हैं। अच्छी जगह है, तो अच्छी जगह के रास्ते कुछ ऐसे ही होते हैं, असहज टाइप के। बड़े गजब से नवीन सर बगैर रुके यहाँ सांस फूल गई है। दोस्तों लोहा घाट के सबसे सुंदर गांव में से एक बिसंग, आप देख पा रहे होंगे यहाँ की सुंदरता। और अभी हमने कुछ चलना शुरू ही किया है, और इतना अच्छा यहाँ पर कुछ दृश्य दिख रहा है, ऊपर जाके तो पता नहीं क्या ही दिखता है, जन्नत है। चले हैं और यहाँ से लोहा घाट भी दिखने लग गया है, और हमने ऊपर जाना है, वहाँ तिरछी चढ़ाई है। तो हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पर को जो है बैठने के लिए यात्रियों के विश्राम के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, और यहाँ पर चेयर्स हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर से, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक आया हूँ, और पीछे साइड की वैली आपको दिखाता हूँ यहाँ पर को, आप देख पा रहे होंगे पीछे गजब का
यहाँ पर कुछ छिल्लाड़ जिसे कहते हैं खाई, यहाँ जाना है। और आप देख पा रहे होंगे गजब का है हमको व्यू। थोड़ा बादल है क्योंकि बरसात हो गई थी बीच में यहाँ पर, नहीं तो माउंटेन्स लगभग लगभग दिख रही हैं और काफ़ी सुंदर दिखती हैं। गजब की वैली है। ये हमारे साथी भी भाई, आप लोग ऑफ रोड क्यों आ गए? बस ऐसे मजा आ रहा था। मजा आ रहा है परमोजी का कहना है सीधे चलते हैं हम, तो ऑफ रोड जाएंगे ऑफ ट्रैक। दोस्तों सीधे रास्ते तो काफी लोग जाते हैं, सीधा करके कुछ फायदा है नहीं, तो अब हम जो है उल्टा ऑफ रोड जा रहे हैं। थोड़ा खतरा मोल ले रहे हैं नवीन जी हमारे। ये रास्ता है कुछ इस तरीके से और नीचे की ये खाई आप देख पा रहे होंगे सीधा, बहुत सुंदर। हो प्रमोद जी भी आ गए हैं यहाँ, मजा आ गया इस जगह को देख के। अभी हम पूरा नहीं पहुंचे हैं, आधे में ही इतना गजब का लोकेशन है, तो पूरे में तो वाह क्या कहने। मेरे को दिख रहा है क्या ये बंदा? ये क्या है? ये है डिग्गी। कुछ दूर आए हैं दोस्तों और पीछे व्यू खुल चुका है दोनों वैली का, आपको दिखाते हैं। बीच में एक यही पहाड़ जो है ऑब्जेक्टिव है, ये पीछे का हिस्सा है। इतनी सुंदर वैली और काफी सुंदर यहाँ पर दृश्य। और लोहागढ़ के सबसे सुंदर गांव में से एक बिसंग। और अभी नीचे आपको रोड दिख पा रही होगी, वहां से हम आए हैं यहाँ और ऐसी तिरछी चढ़ाई में। काफी सुंदरता है यहाँ पर, मन मोह ले रही है वाकई में, जो है सारी थकान खत्म हो जा रही है। मित्रगण हमारे ऊपर पहुंच गए हैं, जल्दी कवर करते हैं उनको। है इनसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक गाना सुना दो। गाना नहीं सुना रहे, एक गाना सुना दो। कौन सा? वो पहाड़ी गाना है, ऊंची छह धार है टूटी जाल घना। हाँ। अरे नहीं जो मैं घुटने बोल रहे हैं, एक्सीलेंट मारते थे, आज इनके भी जवाब दे दिए है घुटनों ने। अरे वाला कह रहा हूँ यार, यूट्यूब से सुनाओ ना, तुझे नूर नूर कहता हूँ। नहीं नहीं क्यों, मुझे नहीं आता है। तो यहाँ रास्तों की कुछ केयर नहीं हुई है, ऊपर आप ये झाड़ियाँ देख पा रहे होंगे, किस मुसीबत से आना पड़ रहा है यहाँ पर वो। और सांप बिच्छू का डर हर समय बना रहता है यहाँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, हमने मेन चढ़ाई पूरी कर ली है। क्या कहना है प्रमोद जी आपका? बस क्या पुराना वाला खून रहा है आपका? थोड़ा बुढ़े हो गए, उबाल कम है थोड़ा इनके खून में। ये सीढ़ियाँ और हम पहुंच जाएंगे सीधा किले में। वाह